Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 6, Retirement and Death of a Partner. Till now we have solved question number 16. In the previous lecture we have seen the sum of death, question number 16. Now coming to question number 17. Okay. C, S and T are partners in profit and loss in the ratio of 2:1:2. Balance is given to you. Who is dying? T is dying 36.17. T मैंने के बाद T मर रहा है. उसका बैलेंस ब्रॉड होता है अमाउंट इतना हम बैलेंस ही ना 1 lakh क्लोज कर लेते हैं विद 1 lakh. अपने दो मार्क तो सिक्योर कर ही लेते हैं. टू एग्जीक्यूटेड बाय टीज कैपिटल 1 lakh. ओके अब जो जो उसको बैलेंस में से मिल सकता है वो प्रोवाइड कर लेते हैं. जैसे टीस लोन लोन की अमाउंट दी थी उसने मुझे 25,000. अब इस पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. 25,000 पे 6% और 3 महीने के लिए 1500 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मुझे मिलेगा 375. उसके बाद बाद में एक्शन कमिटर फंड वो भी मिलेगा. कितना अमाउंट है 10,000. उसका हिस्सा कितना है 2/5 मतलब के 4,000. उसके बाद लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं स्टॉक नहीं रेटेस नहीं कैश नहीं एवरेज में जस्ट से कम का हिस्सा मिलेगा. कितना अमाउंट है 15,000 2/5 अरे 3,000 3×6,000. कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है फर्स्ट पॉइंट. 1 लाख पे 6% 6,000 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए का कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको. उसके बाद ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है. ड्राइंग्स की अमाउंट हाँ ड्राइंग्स किया उसने आप 20,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स किया 20,000 का किया 1/5/17 मतलब है 36 को ड्रॉइंग्स किया 1/5/17 तो 2 महीने का इंटरेस्ट 1/5 मतलब मई और जून का इंटरेस्ट. इंटरेस्ट करना है मुझे 12% 20,000 12% 2,400 रुपए 2 महीने का मतलब के 400 रुपए. उसका गुडविल एट द फर्म इज वेरी टू टाइम्स एवरेज फॉर द लास्ट 3 इयर्स लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करते हैं 80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000 80 plus 75 plus 85 that is 2,40,000 divided by 3 that is 80,000 का एवरेज प्रॉफिट. गुडविल इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1,60,000. 1,60,000 में से उसको कितने महीने उसका हिस्सा कितना है 2/5 टीज गुडविल 1,60,000 इंटू 2/5 32 to 64,000. 64 को बांटना है इन द रेशियो ऑफ 2:1. ओके सो बाय सी कैपिटल गुडविल बाय सी एस कैपिटल गुडविल 64 को बांटना है 2:1 के अंदर. सो 42,667 21,333. ओके बाद में उसके गुडविल में गुडविल की अमाउंट को प्रॉफिट सेंटर पे गिवन द बेस ऑन द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस है. प्रीवियस नंबर मतलब की 85,000 का प्रॉफिट है लास्ट ईयर का. ओके लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से 85,000 में से उसको जो प्रॉफिट का पैसा मिलेगा वो मिलेगा उसको आप अपना हिस्सा दैट इज 2/5 और कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा 3 महीने का मिलेगा प्रॉफिट ऑफ टी 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/12 85,000 2 1 2 6 1 3 2 0. ओके सो 85,000 अपॉन 10 दैट इज 8500 लॉस का प्रॉफिट मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस. करंट ईयर का प्रॉफिट इसको मिलेगा 85
100 जरा प्लस करके चेक कर लेते हैं 1,25,000 प्लस 375 प्लस 4,000 1,2,3,4,5,6,7,8 1,25,000 plus 375 plus 4,000 plus 1,500 plus 4,2,667 plus 2,1,333 plus 8,500 2,03,375 minus 26,400 1,76,975 टू लोन। बहुत ही सिंपल है, डेट वाले सम्स समझ में आते होंगे। पहले उठा के लिख दिया मैंने कैपिटल यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस शीट थी तो पहले उसको खाली कर दो, उसमें से लिख दिया मैंने कैपिटल, लिख दिया लोन, उस पर लगाया इंटरेस्ट दे दिया 3 महीने के लिए जब तक जिंदा था, डब्ल्यूएससीएफ का अमाउंट दे दिया यहाँ पे बोलो तो सर अकाउंट दे दिया मैंने, फिर एडजस्टमेंट किया तो उसमें दिया था इंटरेस्ट देना 3 महीने का वो दे दिया, गुडविल का हिस्सा यहाँ से निकाल उसका हिस्सा मैंने प्रोवाइड कर दिया, प्रॉफिट का उसका मैंने हिस्सा दे दिया जितने महीने जिंदा था उसके इतने महीने का असेसमेंट एडजस्टमेंट देखा लॉ में यहाँ बांटते ही ड्रॉइंग्स देखे रखा था 20,000 का उसमें 2 महीने का इंटरेस्ट दिया, 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे आया 1,5 किया उसने मई और जून 30 जून को मना है 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया डिफरेंस कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया इज अ बोनस सम फॉर यू पीपल इफ इट इज आस्किंग द बोर्ड एग्जामिनेशन देन एंड देन ओनली, ओके पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, ऐसा नहीं कहूंगा कि है ही नहीं, चांसेस आर देयर बट डिपेंड्स अपॉन द लक इफ इट इज कमिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस कैरीज 2 मार्क्स, दिस कैरीज 4 मार्क्स, वर्किंग कैरीज 2 मार्क्स, अब रफली वर्किंग करोगे बट वर्किंग इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू पीपल टू रिसॉल्व, तो हो सके तो आपको वर्किंग कंपल्सरी करना ही, हो सके तो क्या आपको वर्किंग कंपल्सरी यहाँ पे करना ही है। So with this, I complete my question number 17. In the very next lecture, we'll deal with question number 18 and then further questions. Watch the video till the end. Once again, I have solved it in a different manner. So watch it till the end. Thank you all.